ए फगड़ा करे करे किसी पार्टी में करे किसी पार्टी ने करे कोई नहीं गला बनावे करे कोई नहीं गला बनावे ये बातों में सार को नहीं। भाई ने आराम कराए दो और आराम करना जरूरी है। भाई हेंग उड़ा है ये हेंग ने मेरना है। आज लोकसभा चुनाव नामांकन रैली में मुख्य अतिथि मेरे आदर्श सभी हमारे नागौर जिला ही नहीं दूर दराज से आए राजस्थान के सभी नेताजी सम्मानित मंच क्यों समय का अभाव मैं मेरे आदर्श नेताजी का नाम लूं तो जितना टाइम हो जी इस वास्ते सम्मानित मंच और हमारे आदर्श विराजमान सभी मंचासीन जनप्रतिनिधि और सामने विराजमान मेरे आदर्श मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों नौजवान साथियों और युवा शक्ति माताओं और बहनों वाली 19 अप्रैल को हिंदुस्तान की पंचायत को चुनाव और भी चुनाव में अपने निर्णय करनो और आमना नागौर जिला को भविष्य तय करनो। आप सब समझदार हो कि आपने कहीं करनो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार आपकी जानी पानी जानी पहचानी आपने किसान केसरी किसान के मसीहा स्वर्गीय नाथुराम जी मिर्दा साहब की पोती और ज्योति मिर्दा आपने 2009 में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंचाया और आपका जो भी काम हो उन्होंने करने का प्रयास किया। पुनः आपसे मेरा आग्रह आपकी बहन को हमारे किसान परिवार जो मिर्दा जी ने नाथुराम जी की पोती और अपने सबके बीच रहने वाली बहन ज्योति मिर्दा को मजबूत करना और बीबीसी बोलाए और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंचाना और मोदी जी का हाथ मजबूत करना और देश को भविष्य तय करना और अब की बार 400 ही नहीं हवा 400 से 450 सीटा आना है और भी कमी नाम ने महन भूमिका नागौर की रहनी जरूरी है। और समझदार हो ए फगड़ा करे करे किसी पार्टी में करे किसी पार्टी ने करे कोई नहीं गला बनावे करे कोई नहीं गला बनावे ये बातों में सार को नहीं और मौको आउड़ो है। भाई ने आराम कराए दो और आराम करना जरूरी है। भाई हेंग उड़ो है ये हेंग ने मेरनो है और मजबूती करनी है। मजबूती बिना कारी लागे ली कोनी पार्टी का मिनक तो है ही आपा दूजुड़ा जगह हार अभी पार्टी के हाथ मजबूती के साथ कंधों कंधों मिलाई और मैं विशेष कर मारा क्यों शुरू आउड़ा जगह किसान भाई जगह मने लाला 4 महीना पहली ज्यादा ज्यादा समर्थन 36 कौम ने आप सबने मिलकर जो चुनाव लड़ा और एक मिशन कायम करी मारे जैसा भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रतिनिधि के रूप में टिकट दियो वो आप सबकी आवाज थी। मेरा कोई सपना नहीं था और आपने सपना साकार करके 80,000 मत देकर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिल गया खिलने से थोड़ा थोड़ा। तो अब की बार आप सबको मिलके खींवसर का चुनाव नहीं पूरा जिला का चुनाव आप सब 36 कौम के लोग विराजमान हो आपको चुनाव लड़ना है और ज्यादा ज्यादा वोटों जिताई आपकी बहन ज्योति मिर्दा ने पार्लियामेंट में पहुंचानी और मोदी जी का सपना साकार और मोदी जी का हाथ मजबूत करना और हमारे जन कल्याण जो योजना सीएम साहब ने 3 ही महीना में आप देख लो किसानों के प्रति डीजल का भाव उतार दिया कमी की नहीं रहेली अब के डीजल डबल इंजन की जगह सरकार है बाबे हुए राजस्थान में बीजेपी की सरकार और केंद्र में बीजेपी की सरकार आम लोग किसानों को काम हुई 36 कौम की काम हुई आम आदमी की अंधे की कौन है और समझदार हो जाओ समय मत गमाई जाओ समय गमाया बस की कोनी ये फगड़ा भाग रहेगा तो आप की परेशानियां बाकी रह चली। तो इस वास्ते पुनः आपसे मैं हाथ जोड़ आग्रह करूं एक का 21 बन गया।
और आने वाली 19 अप्रैल का ज्यादा से ज्यादा मत दे कमल खिलाना और मोदी जी का हाथ मजबूत करना। जय हिंद। ज्यादा से ज्यादा पोलिंग करनी है, सब भारतीय जनता पार्टी के मतदान पोस्टिंग कम हुआ है, अगली बार 80% ऊपर मतदान करना है। मैं आम कार्यकर्ता नहीं, आप सब कार्यकर्ता बन और मजबूती के साथ बूथ पर जाए, ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है। वोट गणे है और वोट कम पड़े है, ये बात की कमी है और वह कमी अब पूरी करनी है और पूरी कर और कमल ने फूल ने मजबूत करना है और राजस्थान में 25 की 25 सीटा जितानी है। सबसे ज्यादा वोटों नागौर जिला की सीट जितानी है। राम राम साह। जय हिंद। बोलो भाई।